नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके। 7वां चैप्टर था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। याद रखिए, फिर से याद दिला देता हूँ आपको कि ये सभी आपके 14-15 चैप्टर हैं। ये सभी कंप्लीट करने के बाद और 25 से 30 मॉक टेस्ट भी हम लोग लगाएंगे। ये सभी कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना काफ़ी है आपकी कोई भी परीक्षा हो, फिर चाहे, ठीक है, तो फिर चाहे लिखित में हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव रूप में हो, सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखिए, जितने भी आपके चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं, जो भी आपका मटेरियल रहेगा, वो सभी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। कंप्यूटर कंप्लीट कंप्यूटर क्लास के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसी में डले हुए हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटर एक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। अब ऑब्जेक्ट रूम में आपका जैसे SSC हो गया, या कोई स्टेट लेवल का हो गया, पुलिस हो गया, फिर SI का हो गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रूम में कैसे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो आप बता सकते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। आज बात करते हैं हम लोग विंडोज। विंडोज 32 या फिर 64 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी शुरुआत 1985 में MS-DOS पर रन करने वाले एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट सिस्टम के रूप में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण आपका 1.0 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। परंतु माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख रोलैंड हैंसन ने विंडोज नाम का सुझाव दिया, जो उपभोक्ताओं को ज़्यादा आकर्षित लगा। फिर आपका MS विंडोज के संस्करण। MS विंडोज के कुछ मुख्य संस्करण निम्नलिखित हैं: विंडोज एनटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का परिवार है, जो वर्ष 1993 में प्रस्तुत हुआ था। यह विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था। यही बात कर लेते हैं इंटरफेस। यह दो कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा या तकनीक है। दो नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। फिर है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर और रेखाचित्र के माध्यम से अंतर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसके प्रयोग में पढ़ने लिखने या याद रखने की न्यूनतम आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ता को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया है। आगे बात करते हैं विंडोज जो आपकी NT की विशेषताएं निम्न है। जो आपकी विंडोज NT है, इसकी विशेषताएं निम्न है: यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है। यह DOS विंडोज
3 और विंडोज 32 के एप्लीकेशंस रन करने में सक्षम है। यह एक 32 बिट विंडोज एप्लीकेशन है। यह प्रीमेटिव मल्टीटास्किंग का प्रयोग करता है। यह उच्च स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है आपका विंडोज 95, विंडोज 95। विंडोज 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह है आपकी 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया। विंडोज 95 या 95 की विशेषताएं निम्न है। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम इंटेल 386 चिप की ज़रूरत है। ये सेल्फ कंटेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डॉस का बिल्ट इन और सुधरा हुआ वर्जन है। यह GUI को सपोर्ट करता है। यह FAT32 फाइल सिस्टम, बहुप्रदर्शन, वेब TV और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है। फिर आपका विंडोज 98। विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधारों के बाद विंडोज 98S को 5 मई 1998 को रिलीज किया गया। विंडोज 98 या 98 के पहले संस्करण में प्रोग्रामिंग की कई त्रुटियां थीं, लेकिन बाद में जो संस्करण आया विंडोज 98 के दूसरे संस्करण में इन त्रुटियों को सुलझा लिया गया था। ठीक है, बात करते हैं विंडोज 98 की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 का समर्थन करता है। यह आउटलुक एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर इंफॉर्मेशन देखने व आदान प्रदान की अनुमति प्रदान करता है। यह सिस्टम को तेजी से स्टार्टअप का बस शट डाउन करने और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। यह यूनिवर्सल सीरियल बस USB को सपोर्ट करता है। इसमें इंटेल 80486DX2 या फिर 6666 MHz का प्रोसेसर है। यह विंडोज ड्राइवर मॉडल का उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें FAT32 कन्वर्टर यूटिलिटी है जो बिना फॉर्मेट करे FAT32 ड्राइव को FAT16 ड्राइव में परिवर्तित करती है। फिर है आपका विंडोज ME। विंडोज ME कहलाने वाली विंडोज मिलेनियम एडिशन विंडोज 95 और 98 की सक्सेसर है। वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त है जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को निराशा हो सकती है। जो आपकी विंडोज ME है इसकी विशेषताएं निम्न हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5, विंडोज मीडिया प्लेयर 7, बेसिक एडिटिंग के लिए नई विंडो, विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कुछ फीचर्स के साथ ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस की को अपडेट किया गया है। विंडोज ME फीचर के साथ आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं। यह एक CPU या फिर SSP32 बिट इंटेल X86 कंप्यूटर के लिए बनाया गया। यह 8 या उससे ज़्यादा CPU का समर्थन करता है। इसकी न्यूनतम इंटरनल मेमोरी 64 MB और अधिकतम 4 GB है। इसमें आपके बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रस्तुत करता है। अब आपका पूछ लेगी विंडो 98 क्या है, 98 क्या है, तो आप इतना ये परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, और ये इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, और जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे ऑब्जेक्टिव रूम में वो आपके 1 डे एग्जाम के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं विंडोज 2000 या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है।
17 फरवरी 2000 रिलीज हुआ था ये। विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए, व्यवसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर। ठीक है, बात कर लेते हैं विंडोज जो आपकी 2000 है इसकी विशेषता है। यह कई सिस्टम यूटिलिटीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधन कंसोल और मानक प्रणाली प्रशासन को संगठित करता है। विंडोज 2000 असल में विंडोज एनटी 5.0 घोषित की गई थी। इसमें सक्रिय निर्देशिका सेवा प्रदान करने की क्षमता, वितरित फाइल सिस्टम और फॉल्ट रिडंडेंट स्टोरेज वॉल्यूम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं हैं। यह एनटी कर्नेल और इंटरफेस फीचर्स पर बना हुआ है, विंडोज 2000। ठीक है, फिर आपका विंडोज विस्टा, यह घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और मीडिया सेंटर, पीसी सहित निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया। विंडोज विस्टा की विशेषताएं निम्न हैं। इसमें नवीनतम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एरो दृश्य शैली है। इसमें इच्छानुसार कुछ भी खर्च करने के लिए इन स्टॉन्ट सर्च नामक फीचर, बदलती हुई नेटवर्किंग, ऑडियो प्रिंट और प्रदर्शन प्रणालियों, विंडोज डीवीडी सहित नए मल्टीमीडिया उपकरण शामिल हैं आपके। फिर आती है आपकी विंडोज 7। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला का एक सर्व प्रचलित संस्करण है। विंडोज 7 आपकी जो है ये 22 जुलाई 2009 को निर्माण के लिए जारी किया गया और 22 अक्टूबर 2009 को आमतौर पर उपलब्ध किया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण टास्कों को करने की अनुमति प्रदान करता है। विंडोज 7 की जो आपकी विशेषताएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें बराबर बराबर दो विंडोज एरो स्नैप फीचर की सहायता से देखे जा सकते हैं। यूएसबी डिवाइसों की सीग पहचान हेतु डिवाइस स्टेज भी है। होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार, उन्नत स्टार्टअप और स्लीप और रिज्यूम प्रदर्शन, नोटिफिकेशंस का उपयोगकर्ता अकाउंट के माध्यम से कस्टमाइजेशन, सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप्स, टेबल शूटिंग और अन्य हेतु एक्शन सेंटर की व्यवस्था भी है इसमें। फिर आता है आपका विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी खासतौर पर हम होम कंप्यूटरिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिजाइन की गई है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में जारी किया गया। विंडोज एक्सपी में के दो लोकप्रिय वर्जन विंडोज एक्सपी होम एडिशन और विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल दो आपके इसके वर्जन हैं। विंडोज एक्सपी की विशेषताओं की बात करें हम लोग तो विंडोज एक्सपी साउंड कार्ड, डीवीडी रोम ड्राइव, स्पीकर, हेडफोन आदि को सपोर्ट करती है। विंडोज एक्सपी में मीडिया सेंटर एडिशंस रिकॉर्ड करने, टीवी शो देखने, डीवीडी देखने और म्यूजिक सुनने वाले अतिरिक्त मल्टीमीडिया फीचर हैं इसमें। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता अपनी स्वतंत्र प्रोफाइल के साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें सुधार बीजीए या उच्च परिभाषित वीडियो एडेप्टर और मॉनिटर शामिल है आपका। फिर आती है आपकी विंडोज 8। विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विस्तृत उपयुक्त श्रृंखला का नवीनतम रूप है। वर्ष 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की बाबत
कृत घोषणा कर दी गई थी। तदुपरांत इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उत्पादन हेतु 1 अगस्त 2012 को विस्तृत किया गया और जनसाधारण के लिए आपका 26 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। ठीक है, विंडोज 8 की हम लोग विशेषताओं की बात करें तो विंडोज 8 से सुसज्जित कंप्यूटर ऑन करने पर 10 सेकंड में शुरू हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का स्मार्ट फोन या टैबलेट की भांति प्रयोग संभव है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की सुविधा भी है। फाइल एक्सप्लोरर में कमांड बार के स्थान पर रिबन का समावेश फाइल ऑपरेटिंग बॉक्सेस को अधिक उच्चीकृत किया गया। यह त्रिविमीय ग्राफिक्स सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी विंडो 10 भी आ चुकी है। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें हम लोग तो विंडोज 10 है जो इसमें शायद दी गई है, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें दी गई हुई तो आगे देख लेंगे, अगर नहीं दी गई होगी तो सुन लीजिए। विंडोज 10 पर्सनल कंप्यूटर टैबलेट एम्बेडेड डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को जुलाई 2015 में विंडोज 8 के फॉलोअप के रूप में जारी किया। कंपनी ने कहा कि यह एक उत्तराधिकारी के रूप में एक नया पूर्ण विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करने की बजाय निरंतरता में विंडोज 10 को अपडेट करेगा। तो याद रखना है जुलाई 2015 में आपकी विंडोज 10 आई। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए भी याद रखना है, पूछ लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बीच प्रभावी और आसान इंटरफेस प्रदान करता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऐसी निजी तकनीकी है जो दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं को जोड़ने और एम्बेडिंग करने की अनुमति प्रदान करती है। कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए कंट्रोल प्लस ALT प्लस डेल की का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे फिर शटडाउन की सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट की है आपकी, बात कर लेंगे एक बार हम लोग शॉर्ट की के बारे में भी। ठीक है, विंडोज 8.1 विंडोज 8 का जो 8 है इसका नवीनतम संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन आपके बिल गेट्स हैं। ठीक है, याद रखना है। अब बात करना है हमें डेस्कटॉप, देखा होगा आप तो आपने, देखिए ये आपकी डेस्कटॉप की संरचना। मुझे लगता है कि अभी भी आपका विंडोज 8 ही 8.1 है, जो विंडोज 8 का नया संस्करण है वही सबसे ज़्यादा यूज होती है। फिलहाल मैं भी 8.1 यूज करता हूँ। डेस्कटॉप, जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वह हमारे लिए डेस्कटॉप कहलाती है। यह सभी प्रोग्रामों तथा उन पर पहुँचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि का वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक करने वाली पिति को कर्सर कहते हैं। आइकन प्रोग्राम से जुड़ा शॉर्ट कट चित होता है जो डेस्कटॉप पर होता है जिस पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है या फिर फाइल खुलती है। आगे बात करते हैं डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। आइकन, आइकन क्या है? आइकन, आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो है
जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित प्रोग्राम आपका क्रियान्वित हो जाता है। इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इसके द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है तथा इनके नीचे प्रोग्राम फाइल या फिर फोल्डर का नाम लिखा जाता है। ये आइकन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट होते हैं। डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन निम्न हैं। पहले आपका माई कंप्यूटर, यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भाग, डॉक्यूमेंट फोल्डरों, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी आदि, प्रिंटर्स और दूसरे सिस्टम अनुपयोग के आइकन होते हैं इसमें। इसी में सभी प्रोग्राम या तथा सॉफ्टवेयर का बैकअप भी संग्रहित होता है। फिर है आपका रीसाइकल बिन। जब हम किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन से हम उन फाइलों या फोल्डरों को उनके सही स्थान पर वापस रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु यदि रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए तो उन फाइलों या फोल्डरों को वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर से कोई चीज डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है, और अगर हम चाहें तो उसे दोबारा अपने कंप्यूटर में रिस्टोर करके लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिसाइकल जो बिन है इसे ओपन करके उसमें से सब कुछ डिलीट कर देते हैं तो फिर आपके पास दोबारा कोई ऑप्शन नहीं बचता है उन्हें पाने का, ठीक है। फिर है हमारा माई नेटवर्क प्लेसेज। इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दर्शाया जाता है। माई डॉक्यूमेंट, यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोगकर्ता अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत या फिर चित्र को स्टोर करने के लिए करता है। फिर आता है आपका टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसके बाएं छोर पर स्टार्ट बटन तथा दाएं छोर पर घड़ी रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें हम लोग क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार के दाएं छोर को नोटिफिकेशंस एरिया भी कहते हैं। यह एरिया कई प्रोग्राम्स के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकन भी दर्शाता है। जब भी उपयोगकर्ता कोई विंडोज या प्रोग्राम खोलता है तो उस विंडो या प्रोग्राम का एक बटन टास्क बार के मध्य भाग में आ जाता है। देख लीजिए एक बार आप लोग, जैसे आपका ये डेस्कटॉप हो गया संरचना, ये आपका स्टार्ट टास्क बार है, ये आपका स्टार्ट मेनू है यहाँ, ठीक है, ये आपका स्टार्ट बटन है यहाँ, ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले है, ये आपकी डिजिटल बुक्स हो गई है, ये आपकी घड़ी हो गई, ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, फाइल खुली हुई है, ये आपका रिसाइकल इस तरह का होता है आइकन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग स्टार्ट मेनू। टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है जिस पर क्लिक करके स्टार्ट मेनू खुलता है। इस मेनू में कई ऑप्शन होते हैं जैसे प्रोग्राम, फेवरेट, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स, सर्च, हेल्प, रन, लॉन्ग ऑफ और टर्न ऑफ या फिर शटडाउन। प्रोग्राम या कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी प्रोग्रामों की सूची दिखाता है। फेवरेट या बुक मार्कड वेब पेजों का समूह होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स, यह हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट की सूची को दर्शाता है। सेटिंग, इसमें कंट्रोल पैनल जिसमें आपका एंड रिमूव प्रोग्राम, एंड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन होते हैं, पेंटर टास्क बार आदि आते हैं इसमें। फिर आपका फाइंड में विशेष फाइल या तथा फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉग ऑफ, वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्य समाप्त कर देता है परंतु नए उपयोगकर्ता के लॉग ऑन करने के लिए कंप्यूटर को खुला छोड़ देता है। फिर आपका टर्न ऑफ,
कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विंडो खुले हुए दस्तावेज, कार्यक्रम या फोल्डर को प्रदर्शित करता है। आप एक ही समय में कई विंडो को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। इन विंडो का आकार और स्थान आप अपने अनुरूप तय कर सकते हैं। विंडो के कुछ प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। टाइटल बार या विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। इस पट्टी के दाहिने तरफ तीन छोटे छोटे बटन होते हैं। पहला बटन आपका न्यूनतम बटन होता है, जिससे विंडो को की स्क्रीन को हटा देता है, परंतु प्रोग्राम इसे मिनिमाइज भी बोलते हैं, प्रोग्राम रन करता रहता है। दूसरा बटन आपका अधिकतम रिस्टोर होता है, मैक्सिमाइज, ठीक है। यह बटन उपयोगकर्ता को विंडो को पूर्ण स्क्रीन या छोटा स्क्रीन करने की सुविधा देता है। तीसरा बटन आपका क्लोज बटन होता है। इस बटन का पर क्लिक करने के विंडो को बंद कर दिया जाता है, ठीक। फिर आपका स्क्रॉल बार या विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। फिर आपका मेनू बार, टाइटल बार के तुरंत नीचे मेनू बार होता है, जिसमें कई प्रोग्राम, फाइल, विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है। इसमें से किसी एक का चयन कर उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। मेनू बार के कुछ मुख्य विकल्प हैं: फाइल, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, पेंट आदि। एडिट में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। व्यू में टूल बार, प्रिंट लेआउट आदि। हेल्प मेनू में प्रयुक्त संकेतों की बात करें तो ये आपका त्रिभुज हो गया। मेनू के विकल्प के सामने छोटा सा त्रिभुज सब मेनू या कैस्केडिंग मेनू को दर्शाता है। इस तरह का डॉट डॉट इसे कहते हैं इलिप्सिस। यह दर्शाता है कि इस विकल्प को सक्रिय करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डॉट यह दर्शाता है आपका उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक को ही चुना जा सकता है। चेक मार्क यह विकल्प का सक्रिय होना दर्शाता है। ग्रे विकल्प यह विकल्प का सक्रिय ना होना दर्शाता है। इन विकल्पों को फेडेड कमांड भी कहते हैं हम लोग। फिर आपके मेनू दो प्रकार के होते हैं, पुल या ड्रॉप डाउन मेनू। किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेनू उस विषय के नीचे प्रदर्शित होता है। पुल अप मेनू किसी विषय को क्लिक करने पर यह उस विषय के ऊपर प्रदर्शित होता है। किसी भी मेनू पर माउस द्वारा क्लिक करने या ALT की के साथ विकल्प का पहला अक्षर दबाने पर उस मेनू को खोला जा सकता है, ठीक है। फिर आपका डायलॉग बॉक्स यह सॉफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता के बीच वार्तालाप स्थापित करता है। इसमें बटन या तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहते हैं, जिसके द्वारा किसी विशेष कमांड या फिर टास्क को पूरा कर सकते हैं। सामान्यतः डायलॉग बॉक्स को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। इस बॉक्स के टाइटल बार में बॉक्स का नाम क्लोज या फिर हेल्प बटन होता है। डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित तत्व होते हैं, ओके। ओके, कैंसल, अप्लाई, टैब, चेकबॉक्स, ऑप्शन, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स और स्पिन बॉक्स। फिर आता है आपका विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम नोटपैड। यह एक साधारण टेक्स्ट है एडिटर है, इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जाता है। नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन .txt इसे निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है। क्लिक स्टार्ट,
फिर प्रोग्राम्स, एसेसरीज, नोटपैड, फिर आपका वर्ड पेड या विंडोज के अंतर्गत दूसरा वर्ड प्रोसेसर है जो नोटबुक के से कुछ अधिक उन्नत है। इसमें फ्रंट्स, रंग तथा चित्र की भी सुविधा है। इसका फाइल एक्सटेंशन .rtf है। इसमें निम्नलिखित तरीके से खोला जा सकता है। स्टार्ट क्लिक, स्टार्ट पर करेंगे, प्रोग्राम्स, एसेसरीज, वर्ड पेड, फिर आता है प्रिंट या ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्राइंग प्रोग्राम है। प्रिंट फाइल का एक्सटेंशन BMP या फिर PNG है। इसे आप लोग निम्नलिखित तरीके से खोल सकते हैं, क्लिक स्टार्ट, प्रोग्राम, एसेसरीज, प्रिंट, फिर आपका कैलकुलेटर। यह एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा साधारण तथा वैज्ञानिक गणना की जाती है। इसे निम्नलिखित तरीके से आप लोग खोल सकते हैं, स्टार्ट क्लिक, प्रोग्राम, एसेसरीज, कैलकुलेटर, फिर आपका मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर एक इंटरफेस है जिसके द्वारा डिजिटल मीडिया फाइलों को प्ले व्यवस्थित किया जाता है। इसे निम्नलिखित तरीके से आप लोग खोल सकते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम, एसेसरीज, इंटरटेनमेंट, विंडोज मीडिया प्लेयर, फिर आता है आपका गेम। विंडोज के साथ कई मनोरंजक खेल भी आते हैं जैसे स्पाइडर सॉलिटेयर, पिनबॉल आदि। इसे निम्नलिखित तरीके से आप लोग खोल सकते हैं, स्टार्ट क्लिक, प्रोग्राम्स और गेम्स, फिर है आपका फाइल और फोल्डर। फाइल की बात लोग हम लोग बात करें तो फाइल सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डेटा का संग्रह होता है। विंडोज में फाइलें डेटा स्टोर करने की बुनियादी इकाई है। उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल या दस्तावेज को दिया गया नाम फाइल नेम होता है। सभी फाइलें फाइल एक्सटेंशन से प्रदर्शित की जाती हैं। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार की पहचान के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की फाइलें निम्नलिखित हैं, जैसे आपकी GIP फाइल, जो आपकी ZIP का पूर्ण रूप क्या होता है, जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन है जो फाइलों को कंप्रेस करने की अनुमति देता है। फिर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल एक ऐसी फाइल है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल पढ़ी नहीं जा सकती क्योंकि यह कंपाइल्ड होती है। एक IBM कंपेटिबल कंप्यूटर पर कॉमन एग्जीक्यूटेबल फाइल .bat.com.exe। फिर आता है आपका फोल्डर डिजिटल फाइल सिस्टम में एक आवासीय कंटेनर है जिसमें फाइलों और अन्य फोल्डरों को के समूह को रखा जाता है तथा आयोजित किया जाता है। एक फोल्डर के अंदर कई सारे सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं जो कई फाइलों तथा अन्य सब फोल्डरों को संग्रहित करने में सक्षम होते हैं। उपयोगकर्ता अपनी फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न लाइब्रेरियों का प्रयोग कर सकता है। कुछ विशेष प्रकार की लाइब्रेरी निम्नलिखित हैं आपकी, कौन कौन सी है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या फिर अन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग की जाती है, यह माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में संग्रहित होती है। फिर आपकी पिक्चर लाइब्रेरी या डिजिटल चित्रों को व्यवस्थित करने के लिए प्रोग्राम की जाती है, डिफ़ॉल्ट रूप से यह पिक्चर फोल्डर में सेव होती है। फिर आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी या डिजिटल म्यूजिक जैसे सॉन्ग्स आदि को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग की जाती है, डिफ़ॉल्ट रूप से यह म्यूजिक लाइब्रेरी फोल्डर में सेव होती है। वीडियो लाइब्रेरी या वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग आदि को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग की जाती है, डिफ़ॉल्ट रूप से यह माई वीडियो फोल्डर में सेव रहती है।
है, ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।